हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कच्चे आलू से बनने वाला बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा और करारा नाश्ता, वो भी बहुत ही कम तेल में। तो है ना कमाल की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इसके लिए मैंने लिया है दो आलू, बहुत ही ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं है, तो मीडियम साइज के दो आलू लिए हैं। और इस रेसिपी की खासियत यह है कि इसे बनाने के लिए आपको आलू को उबालने की जरूरत नहीं है। तो कच्चे आलू से काम करेंगे तो आपकी टाइम की बचत होगी और गैस की भी बचत होगी, क्योंकि इस समय गैस काफी ज्यादा कॉस्टली हो गई है। हमारे वहां तो 900 रुपए में एक सिलेंडर मिल रहा है, आपके वहां जो सिलेंडर का रेट है बताइएगा। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्किन को निकालेंगे यानी छिलके को। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, आलू को अच्छे से मैंने साफ कर लिया यानी इसके छिलके को निकाल दिया। अब इसको हम तुरंत के तुरंत ठंडे पानी में डाल देंगे। इससे करने से क्या होगा, आलू आपका टाइट हो जाएगा, जब आप इसका नाश्ता बनाएंगे तो काफी कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो हल्का सा ठंडा पानी होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा रखेंगे तो आलू ऐड जाएगा यानी बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा, तो फिर रिजल्ट बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें इसे नॉर्मल से थोड़ा ठंडा पानी लेना है और उसमें डुबोकर 5 घंटे रेस्ट पे रखना है। तो जब तक ये रेस्ट पे हम चलते हैं दूसरा काम कर लेते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। वही कढ़ाई ली है, आप कोई भी कढ़ाई लीजिए, थोड़ी सी हैवी वेट होनी चाहिए, चाहे लोहे की हो चाहे अल्मोनियम की हो। कढ़ाई को हम अच्छे से हीट कर लेंगे, ना घी डालेंगे ना बटर डालेंगे ना ऑयल डालेंगे, मूंगफली डालेंगे वो भी आधा कप और वेट में मुश्किल से 10 ग्राम होगी। अब इसको हमें धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनना है, जब तक कि मूंगफली पे एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और मूंगफली हमारी कुरकुरी यानी क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो फ्रेंड देखिए, 1 मिनट के बाद मूंगफली पे कितने अच्छे से कलर आ चुका है और हल्की हल्की सी चिट्टियां पड़ने लगी हैं। बस बहुत ज्यादा मूंगफली को काला करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मूंगफली में कड़वापन आ जाता है और नाश्ते का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियां, जो हमारी 5 से 6 है, और ये मैंने स्किन के साथ इसलिए डाला है क्योंकि मेरा जो लहसुन था वो ताजा वाला है। अगर आपका लहसुन पीला वाला है, इस तरह से व्हाइट वाला लहसुन होता है, तो समझ जाइए ये नया है। अगर आपकी लहसुन की जो शक्ल है वो पीली है यानी स्किन पीली है, तो आप समझ जाइए कि वो पुराना लहसुन है, तो उसका आपको छिलका जरूर निकालना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली। तो मुझे काफी तीखा पसंद है इसलिए मैं बड़ी बड़ी डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप इसको हटा सकते हैं। अब ग्रीन चिली को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, इस तरह से हम ऊपर से नीचे करते हुए 10 सेकंड तक इसे शेक लेंगे। तो देखिए हल्का हल्का सा हमारा लहसुन भी कलर आने लगा है और बस अब हमारी मिर्च भी अच्छे से हो गई है। अब हम इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख देंगे और आलू को चेक कर लेते हैं। तो इसे हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे रख देना है यहीं पे और ठंडा हो जाएगा, फिर हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अपने आलू को चेक कर लेते हैं। तो देखिए 5 मिनट से हमारा आलू ठंडे पानी में था। अब हम क्या करेंगे, ग्रेटर लेंगे। तो ये जो मोटा वाला होता है सबसे, इसका हमें इस्तेमाल करना है, ये वाला भी नहीं इस्तेमाल करना है, ना ये मीडियम वाला इस्तेमाल करना है। तो सबसे मोटा वाला जो होगा उसी से हम आलू को ग्रेट करेंगे। तो आलू को हमें इस तरह से आगे की तरफ पुश करते हुए ग्रेट करना है ताकि हमें लंबे लंबे लच्छे मिले। तो चलिए ग्रेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और कितने लंबे लंबे लच्छे हमें मिल गए हैं, ये देखिए बिल्कुल खिले खिले से लंबे लंबे से मोटे मोटे से लच्छे मिल गए हैं। अब इसमें हम तुरंत पानी डालेंगे और इसे अच्छे से वॉश करेंगे। तो जैसे हमारा चावल में स्टार्च होता है यानी माड़, उसी तरीके से आलू में भी अपना स्टार्च होता है, उसको हमें निकालना जरूरी है अगर आपको नाश्ता अच्छा चाहिए। तो देखिए कितना पीला पीला सा पानी नजर आ रहा है, इसको हमें पूरा इस तरह से अच्छे से हाथ से मलते हुए वॉश करना है। तो चलिए सारा पानी हम इस तरह इसको दोनों हथेलियों के बीच में रख के निचोड़ लेंगे। आप चाहें तो सूती कपड़े में रख के इसे थोड़ी देर बांध के लटका दीजिए, उससे भी इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो ये देखिए हमारे लच्छे कितने खिले खिले से। अब इसे हम 2 से 3 पानी और वॉश करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा डियर। तो फ्रेंड 3 से 4 पानी वॉश करने के बाद देखिए सारा पानी निकाल कर मैंने आलू को इस तरह से यानी लच्छे को निकाल लिया है। कितने व्हाइट व्हाइट और कितने खिले खिले से हमारे लच्छे मिल गए हैं। अब इसमें हम बनाना शुरू करेंगे। तो क्या मिलाएंगे आपको बताते हैं फटाफट, बिना टाइम को बर्बाद किए। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगी 1/4 चम्मच हल्दी, जो बहुत ही प्यारा सा कलर देगी इसे। 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहे तो पिसी हुई डाल सकते हैं, लेकिन कुटी हुई डालने से इसका टेस्ट अच्छा आएगा और लुक भी बहुत प्यारा आएगा। और मैंने हरी मिर्च डाली थी इसीलिए मैंने लाल मिर्च कम डाली, अगर आप हरी मिर्च नहीं डाल रहे तो आप लाल मिर्च को बढ़ा सकते हैं। 1/2 चम्मच अजवाइन, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
चौथाई चम्मच हींग जो इस नाश्ते को हमें पचाने में मदद करेगी। और हींग का सेवन गर्मियों में काफी लाभकारी होता है आपके पेट के लिए। अगर आपका पेट सही तो आपके बाल सही, आपकी स्किन सही, सारे रोग आपसे दूर। अब इसमें हम डालेंगे नमक, तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। मैं थोड़ा नमक कम खाना पसंद करती हूँ। अगर आप लोग थोड़ा तेज नमक खाते तो आप अपने हिसाब से नमक की मात्रा को बढ़ा घटा लेना, नमक आप अपने हिसाब से डालना। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला जो मैंने अभी अभी तैयार किया। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, बहुत ही कम कीमत में बन जाता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं शेयर कर दूंगी। बिल्कुल अभी ताजा ताजा हमने बनाया है तो मैंने सोचा डाल ले, फिर इसके बाद हम इसे डिब्बे में ट्रांसफर करेंगे। और ये मसाला आपका पूरे साल नहीं खराब होगा। और इसका जो टेक्सचर है वो हल्का सा मोटा मोटा सा रखते हैं ताकि बहुत ही मजेदार फ्लेवर आए। और मसाले को गरम वाले को कभी भी बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसा जाता है। अब इसमें हम डालेंगे आधा नींबू का रस जो इसको बहुत ज्यादा चटपटा बनाएगा। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप इसकी जगह पे व्हाइट विनेगर डाल लेना या टमाटर डाल लेना, लेकिन अगर नींबू होगा तो उसका मजा दूसरा होगा, मैं पहले बता दे रही हूँ। अब इसमें हम आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, क्योंकि हमने नींबू डाला था इसलिए आधा चम्मच डाल लें। अगर आपने नींबू ना डाला तो आप चाट मसाले को एक चम्मच का लेना, बहुत ज्यादा चटपटा हो जाएगा आपका नाश्ता। अब सारी चीजों को हम फटाफट अपने लच्छे में मिला देंगे, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से। और हल्दी हमने बहुत ज्यादा नहीं डाली है, आपको भी हल्दी बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में ये जब हम इसको रेस्ट पे रखेंगे तो हल्दी अपना कलर छोड़ देगी। अभी आपको कम लग रही है, थोड़ी देर बाद जब हल्दी अपना पानी छोड़ेगी तो अच्छे सा कलर आ जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा हल्दी छोड़ देते हैं तो वो पीले की जगह पे लाल कलर दे देती है, नाश्ता देखने में खूबसूरत नहीं लगता है। और जो चीज देखने में खूबसूरत ना लगे उसको खिलाने में काफी इफेक्ट करना पड़ता है। और अगर आपको ये बात एग्री लगती है यानी पसंद आती है, आप इसे एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब इसे हम 2 मिनट का टाइम देंगे, 2 मिनट इसे ऐसे रखेंगे, तब तक हम अपने मूंगफली को चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसे दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमारी मूंगफली अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड इस तरीके से ट्रांसफर कर लिया है। अब ये जो हमारी मिक्सी का जार था जिसमें हमने गर्म मसाला पीसा था उसी में हम इसको डाल देंगे, क्योंकि हमने गर्म मसाला ही पीसा था। अब इसको कवर करके हमें दरदरा सा पीस लेना है, पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, हल्का सा मोटा मोटा रखना है। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, हल्का सा मोटा मोटा सा रखा है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं किया है। और ये जो मसाला बना है ये बहुत ज्यादा खुशबू वाला बना है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। आप इसका सेवन किसी भी रेसिपी में कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार लगेगा। तो चलते हैं गैस की तरफ और आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और हमने एक पैन रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे सरसों का तेल और वो भी सिर्फ आधा चम्मच, इतना सा। और इसे हम अच्छे से हीट करेंगे, क्योंकि सरसों के तेल में हल्का सा कड़वापन होता है, उसको हमें खत्म करना है। जैसे ही हमारा तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा धुआंधार नहीं गर्म करेंगे, हम अपना तैयार ये जो हमने मैरिनेट करके रखा था ये डाल देंगे इसके अंदर। और अब हम इसकी धीमे धीमे से भुनाई करेंगे, सिर्फ 10 सेकेंड, ज्यादा नहीं। तो गैस का जो फ्लेम होगा वो हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे हम इसको 10 सेकेंड इस तरह से धीमी धीमी आंच पर कर लेंगे। अब इसके बाद जब 10 सेकेंड हो जाएगा हम इसमें डालेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज, वो है पानी। तो पानी हम इसमें 1 कप डालेंगे। तो मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप लोग नाप के साथ डाल देना, क्योंकि तो मुझे बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैंने सिर्फ 1 कप पानी डाला है और इसको हम धीमी धीमी आंच पर 10 सेकंड पकने देंगे। तो फ्रेंड 1 कप पानी मैंने इसलिए डाला था क्योंकि आलू में भी अपना पानी होता है। देखिए 10 सेकंड के बाद ही आलू ने अपना पानी छोड़ दिया है और इस तरीके से हमारा पानी डबल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रीन मसाला हमने बना के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, सारा का सारा, बचाना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने इसी के हिसाब से बनाया था। तो ना कम है ये ना ज़्यादा है। और इसको डालने से जो टेस्ट आएगा खाते समय मूंगफली का, उसको मैं बयान नहीं कर सकती, आप लोग जब बनाएंगे तभी आपको आएगा। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 सेकंड वापस से इसको पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें हमारी आलू के साथ अच्छे से मिल जाए। तो फ्रेंड 10 सेकंड के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और इसको डालने से जो टेस्ट आएगा, खुशबू आएगी, उससे पूरा किचन आपका महक जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको मिला लिया है।
अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे हरा धनिया भी डाल सकते हैं या दोनों को भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम एक चीज डालेंगे जो नाप के साथ डालनी है, और वो अगर आपके पास ना हो तो आप क्या डाल सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड वो चीज है हमारा चावल का आटा, और वो हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, एक चम्मच डालकर हम मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें दूसरा चम्मच डालेंगे। तो फ्रेंड अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बेसन भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस रेसिपी में। अब हम दूसरा चम्मच डाल देंगे, आप लोग नाप के हिसाब से भी डाल सकते हैं, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे धीमी धीमी आँच पर। गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए हमें मिलाना है। तो जितना इसके अंदर चावल का आटा लगेगा उतना हम लगाएंगे, फालतू लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसके लच्छे को ख़राब नहीं करना है। तो वापस से हम इसमें एक चम्मच और डाल देते हैं, तो ये गया हमारा एक चम्मच और। तो टोटल मैं चार चम्मच डालूंगी अपनी रेसिपी में, अगर आपका थोड़ा और गीला हो तो आप इसमें छः चम्मच डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मेरे तीन चम्मच में ये बाइंडिंग आने लगी है, सिर्फ एक चम्मच और डालेंगे। तो ये देखिए हमारा एक चम्मच और गया, और इसको भी हम मिक्स कर देंगे बस। तो लमसम ये वेट में हमारा चावल का आटा मुश्किल से 15 ग्राम गया है, और नाप में ये 4 चम्मच गया है। अगर कटोरी के हिसाब से देखेंगे तो ये आधा कटोरी पूरा चला गया है। तो अगर आपका चम्मच बहुत छोटा हो तो आप लोग 8 चम्मच ले लेना। तो देखिए कितने अच्छे से बाइंड होने लगा है, इस तरीके से हमें करना है, और बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है, लच्छों को तोड़ना नहीं है। अब हम फटाफट इसको जमाने के लिए बर्तन तैयार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक ट्रे ले लेंगे, आप कोई भी थाली ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से सरसों के तेल से ग्रीस कर रहे हैं क्योंकि इसमें जितनी चिकनाहट होती है उतनी किसी में नहीं होती है। अगर आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से हमें अपनी ट्रे को ग्रीस कर लेना है। तो मेरे पास ये वाली ट्रे इकलौती ट्रे है जो छोटी है, वरना सब बड़ी है, मुझे लेनी पड़ेगी। और अब हमारा जो तैयार नाश्ता था जो गर्मा गर्म है उसको हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो गर्मा गर्म ही हमको इसको ट्रांसफर करना है। ये देखिए अगर ये ठंडा होगा तो जमेगा नहीं। तो चलिए इसको हम फटाफट चम्मच से पोंछ कर डाल देते हैं। तो फ्रेंड काफ़ी गर्म है ये, और गर्मा गर्म ही हम इसको सेट करेंगे इस तरह से। तो जितना मोटा आप रखना चाहें रख सकते हैं, और जितना पतला रखना चाहें रख सकते हैं, लच्छों को हमें तोड़ना नहीं है। तो अभी गर्म है तो हम इसे चम्मच की सहायता से ही सेट कर रहे हैं, हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे हाथों से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें बढ़िया तरीके से इसे सेट करना है। तो फ्रेंड इस तरीके से सेट कर लिया है, अब इसे हम हल्का हल्का सा जो ठंडा हो गया तो हाथ से प्रेस कर देंगे। अब इसे हम 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि ये फटाफट ठंडा हो जाए, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये बाहर भी 5 मिनट में हो जाएगा सेट अच्छे से। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं अब हम अपनी नाइफ पे हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, जो ये साइड में लगा हुआ है इसी को यूज करेंगे, बेकार करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम कटिंग करेंगे, तो इस तरह से हम इजीली इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो नाइफ लगाने में ऑयल लगाने से ये प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी कि आपका ये आसानी से कट जाएगा। और ये देखिए अब इसे हम शेप देंगे, तो ये देखिए कितने आसानी से पूरा ये निकल गया। अब इसको हम इस तरह से लेंगे और इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे। तो आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये वाला शेप अच्छा लगता है तो मैं इसे इस शेप में कट करूंगी। तो चलिए सारे कट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये बनकर रेडी हो चुके हैं, आप इसे फ्रिज में भी लगा सकते हैं, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, सल्लो फ्राई भी कर सकते हैं, और तावे पे सेक भी सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग था इसका शेप है, और बहुत ज्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी लगता है, और आप इसे पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ और आपको बताते हैं बहुत ही कम तेल में इसे बनाने का सुपर ईजी तरीका। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, और एक पैन रखा उसमें हमने बहुत कम तेल रखा है, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, मैं सल्लो फ्राई करूंगी। और इसे हमने अच्छे से गर्म करना है हाई फ्लेम पर। मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आप इसे अगर स्टोर करने की नीयत से बना रहे हैं तो सरसों के तेल में बनाना, उससे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, काफी कुरकुरा आएगा, कलर भी बढ़िया आएगा। तो जब आपका तेल गर्म हो जाएगा इस तरह से अपने तैयार नाश्ते को डाल देना, और गैस के फ्लेम को लो रखना, हाई फ्लेम पर मत बनाना, नहीं तो ये अच्छे से कुरकुरे नहीं बनेंगे। और एक बार में इतने डालना कि पलटने में कोई दिक्कत ना हो, बाकी जितने बचे हैं उसको हम बाद में बनाएंगे। तो इसे धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे बिना टच किए हुए, 2 मिनट बाद टर्न करेंगे जब ये एक साइड से अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, नाइफ की सहायता से हम इसे टर्न कर देंगे।
देखिए कितना कुरकुरा बना है और बिल्कुल भी शेप नहीं बिगड़ा है इसका। तो ये देखिए चाहे तो छोटे चम्मच से ही पलट सकते हैं। अब इसे हम दूसरे साइड से भी 2 मिनट पका लेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, ये डन हो चुके हैं दूसरे साइड से भी। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो थोड़ी देर हम इस तरह से रखेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए और फिर इसको हम अपने बर्तन में फटाफट निकाल लेंगे। और आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है, अब इसे हम साइड में रख देंगे और दूसरा वाला बनाने के लिए तेल को फिर से गर्म करेंगे और अपने बाकी बच्चे भी हम इस तरह से डाल देंगे। और सेम पहले वाले की तरह इसे भी बनाकर आपको लास्ट में दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये लीजिए हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है, जो बहुत ही कम तेल में बनाया है, काफ़ी कुरकुरा है, क्रिस्पी है और इसके लच्छे आप लोग देख सकते हैं करीब से कितने ज़्यादा खिले खिले से हैं और कितने अच्छे तरीके से हमारे लच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लच्छों का हमने कचूमर बना दिया है, और नाश्ते का जो लुक है वो आप लोग देख के खुशी से पागल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी है, लाइट वेट है, आप इसे दिल खोल के खा सकते हैं। और इसे मैंने सर्व किया है 2 चटनी के साथ। ये हमारी बहुत ही अमेजिंग सी चटनियाँ हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके लिए इसका वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी। ये हमारी गुड़ की और इमली की खट्टी मीठी सी चटनी है। और इधर हमने टमाटो केचप बनाया है जो बहुत ही अमेजिंग है, मार्केट के केचप को मार्क दे दे, इतना ज़्यादा थिक है, इतना ज़्यादा स्मूथ है। और ये देखिए इसका नाश्ते का फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये देखिए है ना कितना क्रिस्पी, और दूसरी बात अंदर से सॉफ्ट है और लच्छे देखिए कितने खिले खिले से। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ। आप इसे केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, चाय के साथ, किसके साथ खाएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। मिलते हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।